अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मक्का व्लॉग्स। तो ये जो है बिल्कुल यूनिक व्लॉग है। इस वक्त मैं जा रही थी तहफील कुरान मदरसा, जहाँ पर मदरसा जो आप लोग बोलते हैं वहाँ जा रही थी। तो पैदल जा रही थी मैं, तो छोटी सी ऐसी मैंने वीडियो बना ली, छोटी तो नहीं है तो 5 मिनट की, वो भी लंबी बन गई। तो पैदल मैं जा रही थी, तो फिर आगे का सीन देखे क्या क्या होता है, मज़ा आएगा। अगर मज़ा आया ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना। तो चलें, तो पैदल जा रही हूँ, जाना मुझे गाड़ी में था, लेकिन भाई को छोड़ने को कहा तो कहा कि मुझे नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं पैदल चली जाऊँ। वैसे मैं करीब ही है, लेकिन ये होता है ना कि मतलब मैंने ये बोला था कि मतलब अभी छोड़ दो, वापसी में मैं खुद ही पैदल आ जाऊँगी, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे नींद आ रही, तो जाओ सोते रहो। तो बस मैं पैदल जा रही हूँ, यहाँ से करीब रास्ता है हमारे घर के पीछे से, अगर जाएँ तो करीब रास्ता, मैं यहीं से जा रही हूँ। वैसे मुझे इस जगह से ना रात के टाइम जाते हुए बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि इधर जो है ना चूहे मंडला रहे होते हैं रात के टाइम। अब काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। असल में हम लोग, हमारा बाहर निकलना नहीं हो रहा था ईद के बाद से, तो अब मैं निकली हूँ तहफील के लिए बाकायदा। तो मैंने कहा मैं व्लॉग में आ लूँ, इतना भी व्लॉग में आ लूँ, ये भी आप लोगों को उम्मीद है पसंद आ जाए, तो बस इसलिए मैंने ये भी वीडियो बना ली। पूरा चलते हुए जाऊंगी, सब बनाऊँगी। वैसे तो मैं पैदल ही जाती हूँ, रमज़ान के दिनों में मैं पैदल जाती थी, और तब रात में था, तरावीह के बाद जो है होता था, क्या होता था कि फिर तहफील होता था रात के टाइम, मतलब 12 बजे ख़त्म होता था ऐसे। अच्छा, ये है मस्जिद जहाँ हम तरावीह पढ़ने आते थे, तो ये तरावीह के दिनों में ही खुली होती, वैसे नहीं। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं ये कह रही थी कि पैदल ही मैं आती जाती थी, तब तो रात थी ना, तो इतना कोई गर्मी का कोई मसला नहीं था, और तब इतनी गर्मी आई भी नहीं थी, इसलिए मैं कहती हूँ छोड़ दो, लेकिन उसने वो सो गया था। वो मैं पहले भी लेट हो रही थी नाश्ता वगैरह बनाने में, इसलिए मेरा लंबा साया। इस गली से अगर जाएं तो यहाँ से भी करीब रास्ता है। सांस फूलने लग गई, मेरा फीता खुल गया जूते का। तहफील को ढूंढने में हमने दिन रात एक कर दी थी, भाभी मैं और बहन निकल जाते थे ढूंढने के लिए सुबह सवेरे हर टाइम के तहफील हमें मिल जाए। अखीरन मिल गया रमज़ान के दिनों में, एक ऐसे बच्चे जा रहे थे स्टूडेंट्स, तो हमने उसको उनको रोक कर पूछा था तो कहाँ है तहफील, तो उन्होंने बताया था रास्ता, तो हमें इस तरह मिला था। तो मैं अभी नींव हूँ तहफील फीस से वापस जा रही हूँ, उधर मेरा तहफील है वहाँ पर, लाइक कहाँ से बताऊँ मैं, बस वाला सोच रहा होगा ये क्या वीडियो बना रही है। अब वापसी है मेरी, 9 बज रहे हैं। तो तहफील में बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। अब इतने दिनों के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी और अबला वगैरह से, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं पैदल आ रही थी, तो मुझे मेरी बहन की कॉल आई, उसने कहा कि तुम कहाँ हो, तो मैं इनके घर पहुँचने लगी हूँ, तो कही कि रुक जाओ मैं आ रही हूँ, तो मतलब मैं गाड़ी में जाऊँगी। वाओ, मैं समझी कि यहाँ से आएगी वो, यहाँ से आएगी। इस रास्ते से आई, मैं वहाँ से वेट कर रही थी। खैर, मबरूक मिन तस्मीन। तो अभी हम जा रहे थे, मुझे नहीं पता था, अभी बहन ने बताया था कि हम तकईम के लिए जा रहे हैं अपने भतीजे को लेके, मतलब भाभी और भतीजे को अभी पिक करेंगे फिर। उठा हुआ है, क्यों उड़ा रहा टोक में, आ गया नोनू।
तो हम यहाँ ततुहीन के लिए पहुँच गए थे। जैसे कि मैं वीडियो भी बनाऊँगी बोर्ड की, ये मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई थी, स्लो मोशन कर दी। और फाइनल घर पहुँच कर जोर से बंद हो गया, मैं डर गई थी अब बहन डांटे ना, इतने ज़ोर से क्यों बंद किया, इसको बहुत वो होता है, फिक्र हो रही होती है, ज़ोर से बंद करो, ये वो जिस गाड़ी में बैठती हूँ अलग ही हिसाब होता है, इसमें जो है ज़ोर से बंद करो, इस गाड़ी में हल्के बंद करो, क्या करूँ। तो बस व्लॉग का एंड हो गया, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना। माशाल्लाह।